ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਗਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਆਦਿ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ ਹਾਦਸਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। असी नालागढ़ तो आ रहे थे जी, तो जाते जाते साढ़े सामने बस आई है खटड़ा वालों की। उन्हें यह नहीं देखा भी साढ़े अगे वाली जी गी वो जा रही थी, उन्हें गड्डी की सैड दबाती। जो गड्डी की सैड दबाई उस उन्हें बस ने, फिर गड्डी की सैड दबाण के नाल नाल साढ़े वाली गड्डी रुक गई, अगले वाली गड्डी बजी पिछों जो तेज़ घोड़ा आता जी, उन्हें ब्रेकां ला ला के कंट्रोल तो कर लिया। तो उन्हें साड़ी गड्डी की बचाने की कोशिश करी, पर साड़ी गड्डी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरी इको गल इको वो है जी, इनू जो अपने यहाँ प्राइवेट बसा वाले हैं ना जी, इन्होंने थोड़ा जहा ना वो कराया जाए, कंट्रोल चलना चाहिए। हर चीज़ बारे जिथे रुकते हैं जिथे ब्रेक लाते हैं ये देखते नहीं है, खड़े रोड पर जाके सामने ऑन द स्पॉट ब्रेक दे देंगे कितने भी। इन्होंने थोड़ा जहाँ पर बनती कार्रवाई बननी चाहिए है जी, जो सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि यह 50 साल मैं लगता शायद ओवर एज इन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं, विदाउट लाइसेंस है इन्हों कोई है नहीं है, कोई नहीं है, पर मतलब इन्हों की वो चीज़ पूरी संजा पूरा कसना चाहिए इन्हों पर प्राइवेट वाले का। ठीक है जी, हाँ मेरी तो यही हो। मेरा नाम गगनजीत है जी, नालागढ़ तो आ रहे थे, अच्छे जाने से पटना मत्था के मंदिर द्वारा का संग्राम के मौके से आप आ रहे थे। तो रास्ते खतरा बस वाला उन्हें गड्डी तो ओवरटेक करते हैं, गब्बे गड्डी रोकती, जिस करके साड़ी दो गड्डिया उसके मगर मैं रुकिया, ब्रेक बज गई, लेकिन साढ़े पिछले घोड़ा आ रहा है जी, लोड सगा, उसने बेचारे ने कोशिश की लेकिन नहीं रुकी, तो वो साढ़े पिछे आगे बजी, तो साढ़े सामने नुकसान बहुत भारी हो गया। तो जाने वाला नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान फिर भी बहुत हो गया साढ़ा। तो यही फिर बस वाली सारी गलती बस वाली थी, उन्होंने गड्डी बस रोकी करते हैं।